गाइज, हम हमारे डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस की बहुत यूज करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने की आदत डालो, जल्दी उठने की आदत डालो, किताबें पढ़ने की आदत डालो। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है आदत डालो या फिर आदत डालना। आदत डालना, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं गेट इनटू द हैबिट ऑफ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, और यू कैन यूज डेवलप द हैबिट ऑफ, डेवलप द हैबिट ऑफ, और यू कैन यूज अनदर फ्रेज दैट इज गेट यूज टू, गेट यूज टू। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देने गेट इनटू द हैबिट ऑफ या फिर डेवलप द हैबिट ऑफ या फिर गेट यूज टू, इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जल्दी उठने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, गेट इंटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, और यू कैन से डेवलप द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, डेवलप द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। किताबें पढ़ने की आदत डालो, गेट इंटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, गेट इंटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, और यू कैन से डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, develop the habit of reading books। पैसे बचाने की आदत डालो, get into the habit of saving money, get into the habit of saving money, or you can say develop the habit of saving money, develop the habit of saving money। अंग्रेजी बोलने की आदत डालो, get into the habit of speaking English, get into the habit of speaking English, or you can say develop the habit of speaking English, develop the habit of speaking English। जल्दी सोने की आदत डालो, develop the habit of sleeping early, develop the habit of sleeping early।